लाइफ एक बैलेंसिंग एक्ट है, जैसे एक टाइटरोप पर चलना। हम सबको बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ती है, चाहे ऑफिस हो या घर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम। ये हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें टाइम की जरूरत होती है अच्छे से जीने के लिए, खुश रहने के लिए, और ये सब कुछ से जुड़ा हुआ है, सब कुछ पर निर्भर है। हम अक्सर अपना टाइम काम के लिए खर्च करते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए टाइम वैल्यूएबल है, इसकी अपनी अहमियत है। टाइम हमें चीजें करने में मदद करता है जो हमें चाहिए और जो हम चाहते हैं, ये हमारी जरूरतें पूरी करता है। टाइम हमें सिक्योरिटी देता है और चॉइसेस देता है, ये हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। लेकिन टाइम टू अनमोल है, ये वापस नहीं आता। एक बार चला गया तो चला गया, इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है ताकि हम टाइम का सही इस्तेमाल कर सकें। हम काम के गुलाम नहीं बनना चाहते, हमेशा टाइम के पीछे भागते रहना। लेकिन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने सपने पूरे करने पड़ते हैं। ये अपना बैलेंस ढूंढने के बारे में है, अपने जीवन को संतुलित करने के बारे में। ये टाइम को अपने लिए कैसे काम में लाएं, इसके बारे में है, ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। ये ऐसी लाइफ जीने के बारे में है जो फुलफिलिंग और सिक्योर दोनों हो, जिसमें हम खुश और सुरक्षित महसूस कर सकें। गैप टूर्स। हम सबको हर दिन अर्श सी घंटे मिलते हैं। ये समय सबके लिए एक समान होता है। हम उस टाइम का यूज कैसे करते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। ये हमारे डिसीजंस और प्रायोरिटीज पर निर्भर करता है। टाइम वेस्ट करना बहुत आसान है। हम अक्सर बिना सोचे समझे अपना समय बर्बाद कर देते हैं। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं बिना किसी प्रोडक्टिव काम के। हम घंटों टीवी देखते हैं और अपना समय खो देते हैं। लेकिन टाइम तो चलता ही रहता है, बिना रुके, बिना थके। टाइम को एक तोहफे की तरह सोचो जो हमें हर दिन मिलता है। आप इसे कैसे स्पेंड करोगे, ये आपके हाथ में है। क्या आप इसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपने स्किल्स और हेल्थ को इम्प्रूव करने में? क्या आप इसे अपने प्यारों के साथ बिताएंगे, उनके साथ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, या आप इसे यूं ही जाने दोगे बिना किसी प्रोडक्टिव काम के? अपने प्यारों के साथ बिताया गया टाइम बहुत प्रेशियस होता है। ये हमें खुशी और सुकून देता है। ये हमें वो यादें देता है जिसे हम हमेशा संभल कर रखते हैं, यादें जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अपने पैशन में लगाया गया टाइम हमें खुशी देता है। ये हमें जीने का मजा देता है। ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। टाइम एक तोहफा है, इसे वेस्ट मत करो। हर पल को जियो और समय का सदुपयोग करो। टाइम मैनेजमेंट एक सुपर पावर है। ये हमें अपने गोल्स अचीव करने में मदद करता है। ये स्ट्रेस कम करता है। ये हमें ज्यादा फ्री टाइम देता है। गोल सेट करके शुरुआत करो। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो, इससे वो कम ओवरवेलमिंग लगते हैं। टास्क को प्रायोरिटाइज करो, इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो। ना कहना सीखो, आप सब कुछ नहीं कर सकते। प्लानर या ऐप यूज करो, ये आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करता है। अपने लिए टाइम स्केड्यूल करो, दिन में सिर्फ 30 मिनट्स रिलैक्स करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, किसी भी स्किल की तरह आप इसे सीख सकते हैं। सेक्शन 4, फाइंडिंग हार्मनी वर्क एंड लाइफ। हम में से बहुत से लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। हम काफी ज्यादा देर तक काम करते हैं। जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमें गिल्ट फील होता है।
लेकिन हमें ब्रेक की जरूरत होती है। हमें अपने और अपने प्यारों के लिए टाइम की जरूरत होती है। काम और पर्सनल टाइम के बीच बाउंड्रीज सेट करो। जब आप काम पर ना हो तो पूरी तरह प्रेजेंट रहो। अपने ईमेल्स चेक मत करो। वर्क कॉल्स का आंसर मत करो। अन एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालो जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है। अपने प्यारों के साथ टाइम स्पेंड करो। अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। बैलेंस बनाने से आपकी लाइफ ज्यादा खुश और हेल्थी बनती है। सेक्शन 5, स्मार्ट स्पेंडिंग, स्मार्टर लिविंग। जैसे हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं, वैसे ही हमें अपने पैसे को भी मैनेज करना चाहिए। टाइम और पैसे दोनों ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। आपको बस अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करना होगा। इसका मतलब है माइंडफुल होना। बजट बनाइए। ये आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। उन चीजों के लिए सेव करो जो मैटर करती हैं। ये आपको फाइनेंशियली सिक्योर फील करने में मदद करेगा। जैसे घर के लिए डाउन पेमेंट, कोई ड्रीम वेकेशन, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से यूज ग्रो करने में मदद मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट्स आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती हैं। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, ये आपको सही डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। देखो आपके लिए क्या काम करता है। हर इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। याद रखो, पैसा एक टूल है। इसका सही इस्तेमाल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। ये आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद कर सकता है। स्मार्ट स्पेंडिंग से स्मार्टर लिविंग पॉसिबल है। सेक्शन 6, टाइम एंड मनी, योर टूल्स फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ। टाइम और पैसा दुश्मन नहीं है, वो टूल्स हैं। उन्हें वाइजली यूज करो। अपना टाइम उन चीजों में इन्वेस्ट करो जो मैटर करती हैं। अपना पैसा उन एक्सपीरियंसेस और चीजों पर खर्च करो जो आपको खुशी देती हैं। पर्पसफुल लाइफ जियो, दुनिया में फर्क लाओ। अपने टाइम और पैसे के साथ जेनरस बनो। जब आप बैलेंस ढूंढते हैं तो आपको असली वेल्थ मिलती है। ऐसी लाइफ जियो जिसे आप प्यार करो।